कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिष्णा यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आईपीएल 2022 के 48वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स एक दूसरे से भिड़ने को तैयार है। दोनों के बीच ये मुकाबला नवी मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। फैंस के बीच इस मुकाबले को लेकर काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आईपीएल 2022 में अब गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स एक दूसरे के आमने सामने होंगे। दोनों के बीच ये मुकाबला नवी मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। फिलहाल अपने 9 में से 8 मुकाबले जीतकर गुजरात टाइटंस की टीम पॉइंट्स टेबल पर राज कर रही है। वहीं अगर पंजाब किंग्स की बात करें तो 9 में से 4 मुकाबले जीतकर 7वें पायदान पर काबिज है। बहरहाल दोनों ही टीमों में धुरंधरों की भरमार है। जहां एक तरफ गुजरात टाइटंस में हार्दिक पांड्या और राहुल तेवतिया जैसे खिलाड़ी हैं, तो वहीं पंजाब किंग्स में भी मयंक अग्रवाल और अर्शदीप जैसे दिग्गज मौजूद हैं। जहां एक तरफ गुजरात की टीम के लिए ये सीजन काफी कमाल साबित हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पंजाब किंग्स क्वालिफाई करने के लिए एडी की चोटी का जोर लगा रही है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अपने पिछले मुकाबले में पंजाब की टीम को 20 रनों की हार का सामना करना पड़ा। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ की टीम ने 153 रनों का स्कोर खड़ा किया, जिसको पंजाब किंग्स 20 ओवरों में ही हासिल नहीं कर सकी। वहीं अगर गुजरात टाइटंस की बात करें तो बेंगलोर के खिलाफ अपने पिछले मुकाबले में उसे 6 विकेट की बड़ी जीत मिली। पहले बल्लेबाजी करते हुए बैंगलोर की टीम ने 170 रनों का स्कोर खड़ा किया, जिसके बाद राहुल तेवतिया की शानदार पारी के दम पर गुजरात की टीम ने लक्ष्य को अपने 19वें ओवर में हासिल कर लिया। दोनों टीमों के धुरंधर इस मुकाबले में एक दूसरे से भिड़ने को पूरी तरह तैयार हैं। अब फैंस को इस बात का इंतजार है कि कौन सी टीम इस मुकाबले को अपने नाम करने में कामयाब हो पाती है। हमारे इस खास रिपोर्ट में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।